morning, students. How are you? Okay, fine. I hope जो previous derivation है आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आ गई है. Okay? We are studying the chapter number 7 already. Okay? Walter, Nikki, Karan. Okay? अब जो next derivation है हमारा कंटेनिंग ओनली हमने क्या ले लिया था, रेजिस्टेंस ले लिया था, कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस ले लिया था. अब क्या करना है, कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस. ठीक है, तीन होते हैं, कौन कौन से, एल सी और आर. तो फर्स्ट हमने आर के लिए किया था कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, जिसे हमने क्या किया था, यू आर शोज द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन द सेम प्लेस. ओके, इन द सेम प्लेस को ये किया था कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस. कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस में हमने क्या शो किया था, ठीक है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, यस और नो, ओमिनस. ठीक है, एंड डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है, जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये प्रूव किया था हमने, रिमेंबर दिस. ओके, अब क्या करना है, कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस में क्या करना है हमको, जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है एक्स एल, उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल. तो इसके लिए हमको करना है, ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कंटेनिंग ओनली फिर इन अ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, या फिर कंटेनिंग ओनली इंडक्टिव सर्किट शो दैट द डीसी करंट विल बी जीरो. ना डीसी करंट क्या होता है, जीरो होता है, ये बता, ये बताना है आपको, तो आप वी कैन इजीली ओके ऑब्टेन दिस. ओके, फर्स्ट वी आर ड्रॉइंग अ डायग्राम कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस. ओके, फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम. Okay, this is the symbol of inductance. This is denoted by L. Here resultant voltage, ये फिर जो voltage develop होगा इसमें वो होगा V is equal to L di upon में dt. क्या है, coil है, तो coil में जो current flow होगा, मतलब यहाँ पे establish होगा electromotive force और उसकी जो values होगी वो इस तरीके से होगी, इसलिए हमने यहाँ पे V is equal to L di upon में क्या किया, dt किया है, current flow आए, ठीक है, सिंबल ऑफ एसी सर्किट इज कंप्लीटेड. ओके, क्लोज. वोल्टेज इक्वेशंस, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, सेम सर्किट है, बस चेंज करना है आपको कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, हमने कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस कर दिया. ठीक है, फिर लेट यस एल इंडक्टेंस आई करंट फ्लो ऑफ द सर्किट, यस और नो, यस वी पोटेंशियल डिफरेंट. ओके, across the inductance, ठीक है, इसके बीच का है, inductance के बीच का है इसलिए, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे equations को, any instant of time t, the voltage will, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या देना है आपको, फर्स्ट देना. फिर द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट,
that is the gain of voltage of the circuit is equal to V minus L di by V. ठीक है, ये होगा रिजल्ट एंड वोल्टेज. ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे बाय Kirchhoff's second law. Okay, you know the Kirchhoff's law. Okay, two laws, they are discussed current law and voltage law. ठीक है, तो यहाँ पे second law जो होता है, कौन सा law होता है? Voltage law. तो voltage law को voltage law से क्या हो जाएगा? V minus L di upon dt is equal to zero. ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए क्या होता है? Zero होना है. ठीक है, equation को arrange करेंगे. P नेगेटिव टर्म में ना इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब L di upon में dt, देखिए V इक्वल टू L di upon में dt. ठीक है, V L को उधर ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला जो dt था वो क्या है? डिवाइड में नहीं, जरा के मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आई. या फिर और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वी अपॉन में एल डी. अंडरस्टूड और नॉट? फर्स्ट क्या करना है? डायग्राम यू हैव टू कंप्लीटेड. जो जो हमने यूज किया है वो लिख लेंगे. ठीक है, एंड जब सेम डेरिवेशन को रिपीट करना है, द रिजल्ट है वोल्टेज लेना है सर्किट का, तो वो रहेगा V minus L di upon में dt according to Kirchhoff's second law. इक्वेशन के इक्वल में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ठीक है, इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है. ठीक है, और इस तरीके से करना है. अब यहाँ पे क्या है? इसका इंटीग्रेशन होगा. क्या होगा? इंटीग्रेशन. हमने इससे पहले क्या किया था? डिफरेंशिएशन किया था, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए. ओके, तो फिर यहाँ आया जाएगा V I का क्या बन जाएगा? I बन जाएगा. ठीक है, V L इंटीग्रेशन. ठीक है, ओ सर, ठीक है, V की वैल्यू सब्सटिट्यूट कर लेते हैं. पहले तो लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ V इन अबोव इक्वेशन. इक्वेशंस में क्या करेंगे? V की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट की, तो क्या हो जाएगा? Di is equal to V naught L sin omega t and d. अब करिए इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? I is equal to V L इंटीग्रेट omega t and dt. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस कॉस होता है. ठीक है, थीटा है तो थीटा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी और वापस ओमेगा टी का हो जाएगा. तो वी नॉट एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा. ठीक है, ये क्या करते हैं? हमने इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर वी नॉट ओमेगा एल को एट ओमेगा को क्या कर दिया? कॉस करके आपका जो रहेगा आपका ब्रैकेट इसके बाहर निकाल देंगे. फिर अंदर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, अब माइनस जो अल्टरनेटिव है जो साइन वेव के फॉर्म में होता है, तो हमको साइन वेव को शिफ्ट करना पड़ेगा और माइनस को भी हमको कैप करना है. ठीक है, तो माइनस को भी हटाना है. तो कैसे इस पॉसिबल है ये, कैसे करेंगे हम इसको? तो लिखेंगे हमें आई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल. ठीक है, साइन का कन्वर्जन उसका होगा माइनस बन जाएगा, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू होगा. क्या होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू एक्चुअली प्लस नहीं होता है, बट माइनस का इसके माइनस अंदर शिफ्ट हो गया. ठीक है, ओमेगा एल इज कॉन ओमेगा सॉरी पी नॉट कॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. ठीक है, इन कंटेनिंग ओनली इंडक्टिव containing only capacitance या capacitive reactance omega t plus pi by 2. ठीक है, मतलब pi by 2 क्या था?
अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से, ठीक है, क्या करना था, यस, ठीक है, मतलब आगे पावर टू रेडियंस क्या था, आगे था, आगे के लिए हमने वर्ड यूज किया था, ठीक है, लीड, हमने लीड कर रहा था पावर टू रेडियंस, पावर टू एंगल से, अभी यहां पे क्या करना है, लेग्स करेगा बिहाइंड द, ओके, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कंपैरिजन में जो करंट होगा वो क्या रहेगा, पावर टू रेडियंस का रहेगा, पीछे रहेगा, मतलब ठीक है, लेग्स होगा, ठीक है, तो यहां पे वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू यस आई नो क्या बोलते हैं आइलैंड को पीक वैल्यू ऑफ करंट यस और नो यस ठीक है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट ठीक है दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट आ गई अब फेज डिफरेंस बताना है तो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन अ इंडक्टिव सर्किट ओके तो फेज डिफरेंस में क्या करना है आपको ठीक है फर्स्ट जो आपका डिफरेंस था ओमेगा टी ठीक है फिर माइनस ये ब्रैकेट में करेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है एंगल क्या हो गया पाई बाय टू कि ये किसी बात में नहीं है फेज डिफरेंस ठीक है तो आपको पीडीएफ सेंड किया गया है इसमें आपको ठीक है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताना है आपको बता रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको लेंगे हम फेज डिफरेंस को ठीक है तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और एंगल क्या बचेगा पाई बाय टू ओके सो इन अ इंडक्टिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट्स लैग्स बाय बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय टू रेडियन ओके तो इस तरीके से आपको बताना फिर क्या करना है ठीक है अब पाई के लिए करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हमको बताना है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हम करेंगे सॉल्व तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए ठीक है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए इक्वेशन लेंगे हम v नॉट ओमेगा l इज इक्वल टू i नॉट 1 ठीक है i नॉट को जैसे सब्स्टिट्यूट कर लिए v नॉट I know is equal to ये डिवाइडेड में इधर आए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ठीक है इस इक्वेशन को नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग या कंपेयर्ड दिस इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 2 बाय ओम्स लॉ ओके द ओमेगा एल इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके एंड इट इज नोटेड बाय xl कैलकुलेट करते हैं xl से ठीक है तो xl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा l ठीक है देखिए अब ओम्स लॉ क्या होता है v / i इक्वल टू क्या होता है r r क्या रहता है व्हाट इज r रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की जगह क्या है ओमेगा l ओमेगा l है इसका मतलब क्या होगा xl ठीक है तो यहां पे हम इसको इस तरीके से राइट आउट कर सकते हैं xl is equal to omega l yes or no yes ठीक है अब तो ये भी हो गया आपके लिए फॉर्मूला है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए ठीक है अब क्या करना है फॉर अ डीसी करंट है ना डीसी करंट के लिए मैंने आपको बताया ओमेगा इज इक्वल टू 0 सो न्यू इज इक्वल टू 0 एंड न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम xl इज इक्वल टू 2π न्यूमन अब न्यू क्या हो गया 0 xl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ओके तो प्योर इंडक्टिव सर्किट ओके द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी 0 फॉर अ डीसी करंट इसके लिए डीसी करंट से ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है आप इसका पेयर वर्क करेंगे ठीक है इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताया है कौन सी इक्वेशन कहां से आएंगे ठीक है
और अगर यहां पे आपको जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप YouTube पे जाकर शिल्पाश्री सर करके चैनल बनाया हुआ है, उसमें आप इसको देख सकते हैं और वहां से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।